Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is the lecture number 9. Before this lecture, we were discussing about the cost benefit analysis with the perspective of utilitarianism. Now, in this lecture, we will learn some more concepts and different aspects regarding business ethics and CSR. So in this lecture, we here going to discuss the measurement problems regarding cost and benefit analysis or utility measures. So utilitarianism basically is criticized in this section. So what are the measurement problems when we talk about the cost benefit analysis? The first of all is the difficulties of trying to measure utility. सबसे पहला मसला जो आता है यूटिलिटी को अगर हम मेजर करना चाहें तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट लोगों के मामले में डिफरेंट चीजें जो हैं वो इसको यूटिलिटी के मामले में कंसीडर की जाती हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के हवाले से हम देखें तो एक चीज खाने से हमें कितना फायदा होता है, कितना बेनिफिट होता है, उसको हम डिजिटल पर्सपेक्टिव में मेजर नहीं कर सकते। उसको हम एक एप्पल खाने को हमें कितना फायदा मिला, एप्पल खाने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, वो हम बातों में तो बता सकते हैं लेकिन अमाउंट ऑफ यूटिलिटी जो है वो नहीं बता सकते। या अगर हम कहें कि एक हमने बनाना खाया और एक हमने एप्पल खाया तो इनमें से दोनों में हमें यूटिलिटी मिली लेकिन किस में कितनी यूटिलिटी थी वो डिजिटल नहीं हो सकती। वो हम रिलेटिव और क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव में तो बता सकते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट उसकी फिगर जो है वो नहीं बता सकते। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर जो हम यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि इसमें ज्यादा फायदा है कि नहीं है या मैक्सिमम फायदा है या कम फायदा है, तो उसकी मेजरमेंट का मसला जो है वो यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर पाते। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट देर आर सर्टन काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट दैट सीम्स इम्पॉसिबल टू मेजर। फिर वो कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके कॉस्ट एंड बेनिफिट के लिहाज से मेजर करना ही बहुत मुश्किल होता है, इवन कि इम्पॉसिबल टू मेजर है, जैसे कि हेल्थ या लाइफ। तो इनकी वैल्यू को मेजर करना जो है वो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। हम किसी की जिंदगी की कीमत जो है वो रुपये पैसों में नहीं लगा सकते, किसी की सेहत की जो है वो कीमत रुपये पैसों में नहीं ला सकते। हम कहें कि भाई कोई बंदा जो है अगर वो मर जाएगा तो मैं उसको 10 लाख रुपये दे दूंगा या 50 लाख दे दूंगा या 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, तो ये उसकी जिंदगी की वैल्यू नहीं हो सकती। कभी भी इसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता और इस बेस पे हम कभी भी कॉस्ट और बेनिफिट के एनालिसिस जो है वो डन नहीं कर सकते। जिस तरह से पिंटो कार के मॉडल में उन्होंने किया कि उन्होंने फ्यूचर कैलकुलेट पहले किया, अगर इतनी डेथ हो जाए तो हम उनको इतने पैसे देंगे, अगर इतने इंजर्ड हो जाए तो उनको हम इतने पैसे देंगे। तो ये एक फर्जी फिगर है, एक सेटिस्फैक्ट्री फिगर है, ये कभी भी उसका नेमल बदल या मुतबादल नहीं हो सकता, ना ही लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। ये तो बेनिफिट्स या हम कंपनसेशन इन सूरत में देते हैं जब कोई खुदा न खासा हादसा या गलती की सूरत में ये काम हो जाए, देन अदरवाइज देयर इज नो वे टू मेजर द वैल्यू ऑफ अ लाइफ और हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन और एनी लिविंग। उसके बाद थर्ड जो प्रॉब्लम आती है यूटिलिटेरियनिज्म की मेजरमेंट के अंदर वो आती है व्हाट शुड काउंट एज अ बेनिफिट एंड व्हाट शुड काउंट एज अ कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट और बेनिफिट में क्लैरिटी जो है एक और बड़ा इशू है कि हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि किस चीज को हम समझिए ये हमारा खर्चा है और किसको समझिए ये हमारा फायदा है। दिस लैक ऑफ क्लैरिटी इज स्पेशली अ प्रॉब्लम व्हेन वी आर डीलिंग विद कंट्रोवर्शियल थिंग्स ऑन विच डिफरेंट पीपल प्लेस वेरी डिफरेंट वैल्यूज। सपोज अ बैंक मस्ट डिसाइड फॉर एग्जाम्पल वेदर टू एक्सटेंड अ लोन टू द मैनेजर ऑफ ए लोकल pornographic theater or to manager of a bar that caters to homosexual. One group of people may see the increased enjoyment of pornographic or the increased enjoyment of homosexuals as a beneficial for society. A controversial religious group however may see these enjoyments as harmful and hence as cost. उन्होंने एग्जाम्पल बड़ी हमारे कल्चर से हटके यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल दिया है कि एक ही काम है, जैसे कि हम यहाँ पे इस तरह से इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं
एक साइड पे ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, फिल्में हैं, गाना है, डांस है, थिएटर है, मुजरे हैं, तो ये सोसाइटी कुछ लोगों के लिए तो जो है वो बड़ी बेनिफिटेड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये, मजहबी ग्रुपों के लिए ये नुकसानदेह है। लिहाजा एक साइड पे कुछ सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड है और कुछ सोसाइटी के लिए ये कॉस्ट है। लिहाजा कंट्रोवर्शियल इश्यूज जिसमें कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं, वहां पे ये चीज साबित करना कि ये यूटिलिटी है कि नहीं है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें कॉस्ट और बेनिफिट का डिफरेंस जो है वो क्लियर कट सामने नहीं आता। कुछ लोग उसको कॉस्ट समझ लेते हैं, कुछ उसको बेनिफिट समझ लेते हैं, जैसे कि ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, रिलीजियस ग्रुप्स जो है इसको समझते हैं कि ये हमारे मुआशरे के ऊपर एक कॉस्ट है, ये इम्पैक्ट है, ये नुकसान है, और जो लोग मॉडर्निज्म के तहत चलने वाले लोग हैं, मॉडर्न लाइफ गुजारते हैं, वो समझते हैं कि इट इज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट, वी गेट एनर्जी टू रीपरफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सो हियर वी आल्सो कंफ्यूज हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट। अच्छा, नेक्स्ट पे हम जब आते हैं, उसके बाद अगेन एक फाइनली एक और चीज जो है जो मेजरमेंट में हमें प्रॉब्लम पेश करती है यूटिलिटी के हवाले से, यूटिलिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि यूटिलिटेरियन अजम्पशन दैट ऑल बेनिफिट्स आर मेजरेबल इंप्लाइज दैट ऑल बेनिफिट्स कैन बी ट्रेडेड फॉर इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच अदर फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वन गुड देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ वन अदर गुड that you should be willing to trade for the first good. For example, suppose that for you the enjoyment of eating two slices of pizza right now has the same value as enjoyment of a half hour of listening to your favorite music right now. Then you should be willing to trade one for the other at least right now, since they are for you at the present moment equal in value. लिहाजा इसमें एक और चीज जो हमारे सामने समझ आती है कि वो कई चीजें जो हैं वो एट ए टाइम जो है एक दूसरे के लिए नेमल बदल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती हैं। लोग जो है मैक्सिमम यूटिलिटी का फायदा उठाने के लिए, लाफ इक्वल यूटिलिटी का फायदा उठाने के लिए, मैक्सिमम यूटिलिटी का फायदा उठाने के लिए चीजें आपस में एक्सचेंज भी करते हैं। इसलिए ये पिज्जा और म्यूजिक एक दूसरे का नेमल बदल हो सकता है यूटिलिटी के हवाले से, लिहाजा इसको हम फाइनल नहीं कर सकते। नाउ यूटिलिटेरियनिज्म सेज दैट व्हाट इज ट्रू ऑफ पिज्जा एंड म्यूजिक इज ट्रू ऑफ एवरीथिंग एल्स, सिंस द वैल्यू ऑफ ईच गुड कैन बी मेजर्ड, वी शुड बी एबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ आवर एंजॉयमेंट ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ गिवन अमाउंट्स ऑफ आवर एंजॉयमेंट ऑफ वैल्यू वाई। So these are the criticisms here on the measurement of cost and benefit analysis and utility. ये बिल्कुल वही चीजें हैं सारी की सारी जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि यूटिलिटी जो है वो मेजर नहीं की जा सकती, कई दफा आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, कई दफा एक चीज एक के लिए कास्ट होती है, दूसरे के लिए वो बेनिफिट होती है, और दूसरी लम्हे वो जो है कास्ट बन जाती है और पहले के लिए जो है वो बेनिफिट बन जाती है। ये इसकी मेजरमेंट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद यहीं पे वो एक कंसेप्ट देता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। देयर इज नॉन इकोनॉमिक गुड्स सच एज एंजॉयमेंट ऑफ लव, फ्रीडम, हेल्थ एंड फादरहुड दैट वी वुड नॉट बी विलिंग टू ट्रेड ऑफ एनी अमाउंट ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ इकोनॉमिक गुड्स बिकॉज नॉन इकोनॉमिक गुड्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स। वो कहते हैं कि हर चीज को हम ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, कुछ चीजें ट्रेड ऑफ हो सकती हैं, जैसे हमने अभी पिज्जा और म्यूजिक एग्जाम्पल ली, लेकिन सारी चीजें जो है वो ट्रेड ऑफ नहीं हो सकती। क्योंकि सारी चीजें ट्रेड ऑफ नहीं हो सकती, लिहाजा इन तमाम को हम इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक गुड्स का नाम देते हैं जो कि ट्रेड ऑफ नहीं हो सकती। और जो चीजें ट्रेड ऑफ नहीं हो सकती, हेल्थ है, लाइफ है, फ्रीडम है, ब्यूटी है, अगर उनका कोई नुकसान होता है, उनकी कास्ट होती है, तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि वो नॉन ट्रेड आइटम्स हैं। और अगर हम इन चीजों को करेंगे तो बेसिकली हम एथिक्स के खिलाफ जाएंगे। कोई खातून जो है वो 10 15 20 लाख के बदले में अपने फेस के ऊपर जो है वो कोई दाग धब्बा या तेजाब कराना पसंद नहीं करेगा। कोई कौम जो है अपनी आज़ादी के बदले पैसा लेना कबूल नहीं करती। कोई जो है इंसान जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जस्टिस के लिए कोई चीज लेने के लिए तैयार नहीं होता। लिहाजा वो चीजें जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं उनको हम ट्रेड ऑफ में नहीं डाल सकते। जब हम उनको ट्रेड ऑफ में डाल सकते तो डेफिनेटली उनको हम फ्यूचर के लिए कास्ट बेनिफिट के लिए भी काउंट नहीं कर सकते। सो ये क्रिटिसिज्म है ऑन
यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर कि ये चीजें जो है इनकी ठीक नहीं है, और हमेशा हर जगह पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है कि वो काम करना है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो। वो सबसे ज्यादा फायदा एक बंदे के लिए हो सकता है लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए हो सकता है वो फायदा सबसे ज्यादा ना हो बल्कि जस्ट अपोजिट हो। यूटिलिटेरियन अप्लाइज टू मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब मेजरमेंट ऑब्जेक्शंस के हवाले से जो ऑब्जेक्शंस लगे मेजरमेंट के हवाले से उसके ऊपर यूटिलिटेरियन ने जो रिप्लाई दिया उन्होंने डिफरेंट एंगल में इसको डील किया और उन्होंने इसके क्रिटिसिज्म का जवाब दिया। ये डिटेल इंफॉर्मेशन है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें जो है मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। एक तो इंस्ट्रूमेंटल गुड्स हैं। इंस्ट्रूमेंटल गुड्स क्या होती हैं? थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल बिकॉज दे लीड टू अदर गुड थिंग्स। वो चीजें जो कीमती इसलिए होती हैं कि उनके बदले में दूसरी चीजें ली जा सकें या दी जा सकें, दीज गुड्स आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल गुड्स। जैसे कि बार्टर सिस्टम में हम वही चीजें बार्टर करते हैं जिसकी एक दूसरे को फायदा हो, जैसे जिसको एक दूसरे को जरूरत हो। उसके बाद इंट्रिंसिक गुड्स, थिंग्स दैट आर डिजायरेबल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट्स दे मे प्रोड्यूस। इंट्रिंसिक गुड्स क्या है? थिंग्स दैट आर डिजायरेबल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट दे मे प्रोड्यूस। हाउएवर things that are desirable independent of any other benefit that may produce, for example health is an intrinsic good, it is desired for its own sake. Many things of course have both intrinsic and instrumental values. I may use a skateboard for example not only because skateboarding is a mean to health and rapid transportation but also because I simply enjoy skateboarding is a fun for the life. इसके बाद आगे और जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो देखते हैं। ये सारी कमेंट्री आप लोग पढ़ सकते हैं। No, the concept of justice. What is justice? Justice means distributing benefits and burdens fairly among people. जिससे क्या है? इंसाफ क्या है कि जब फायदे और जिम्मेदारियां आप इक्वली बांट देते हैं लोगों के दरमियान में तो दिस इज कॉल्ड जस्टिस। एंड व्हाट इज द राइट्स? इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड विल बीइंग। हर इंसान की जाती ख्वाहिश हक आजादी का और चॉइस जो है दैट इज कॉल्ड राइट्स। रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? अ फॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दैट लिमिट्स यूटिलिटेरियन एनालिसिस टू इवैल्यूएशन ऑफ मॉरल रूल्स। रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है कि जो ट्रेडिशनल यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है उसको लिमिट्स करता है टू इवैल्यूएशन ऑफ मॉरल रूल्स, के मॉरल रूल्स में डिफरेंट कंसेप्ट होगा और यूटिलिटेरियनिज्म जो जनरल है उसमें कंसेप्ट लगा होगा। क्योंकि जनरल में तो हम ये देखते हैं कि हर वो काम जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है वो कर लें तो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन यहाँ पे चीजें वैल्यूएशन को मॉरल रूल्स को जो है वो चेंज कर दिया गया है। दूसरे लफ्ज में हम यूं भी कह सकते हैं कि रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है कि इसके अंदर एथिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है कि जब हम कोई भी यूटिलिटेरियनिज्म के तहत कोई डिसीजन लेने लगते हैं तो हम साथ ये भी देख लेते हैं कि जो ये डिसीजन लिया जा रहा है बेशक इसमें मैक्सिमम फायदा मौजूद है, मैक्सिमम बेनिफिट मौजूद है, लेकिन क्या ये एथिकल भी है? क्या एथिक्स के खिलाफ तो नहीं? क्योंकि सोसाइटी के से कोई हर्ज तो नहीं, नुकसान तो नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। लिहाजा वो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट जिसमें मॉरल रूल्स भी कंसिडर किए जाते हैं दैट इज अ रूल यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है। उसके बाद इसके अंदर और जो है क्रिटिसिज्म है और यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर फर्दर वो आप रीड आउट कर लेंगे। इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं ये मैंने आपके ऊपर कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इसमें ये केस स्टडी है, इसको आप रीड आउट कीजिए, इससे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ आर राइट। राइट क्या होता है ये मैंने पहले भी आपको बताया कि एन इंडिविजुअल्स इंटाइटलमेंट टू समथिंग, किसी भी चीज के लिए किसी इंसान का बुनियादी अपना जाती हक, अकेले का हक जो है उसे हम राइट बोलते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं? एन इंटाइटलमेंट, एक हक दैट ड्राइव फ्रॉम अ लीगल सिस्टम
that permits or empowers a person to act in a specified way or that requires others to act in a certain way toward that person, that is called legal right. मिसाल के तौर पे तो property है, तो कानून जो उसको हक देता है इंसान को कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, दूसरे बंदे इस चीज का एहतराम करें कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुम्हारी इजाजत के बगैर इंटर ना हो, उसके ऊपर कब्जा ना करें, उसके ऊपर चले ना, तो दैट इज कॉल्ड लीगल राइट। जैसे गाड़ी आपको आप खरीदते हैं तो उसको आप लीगली अपने ऊपर ट्रांसफर कराते हैं, तो जैसे ही आपके नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफर होती है तो वो ये लीगल राइट आपको मिल जाता है कि ये गाड़ी जो है आपके नाम की है, कोई बंदा ना इसके अंदर बैठ सकता है पूछे बगैर, ना इसको बेच सकता है, ना इसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना इसकी शेप चेंज कर सकता है। उसके मुकाबल जो है वो है मॉरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स। व्हाट आर द मॉरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स? राइट्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स एवरीवेयर पॉसेस टू एन इक्वल एक्सटेंट सिंपली बाय वर्चू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग्स। राइट्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यानी के ये बुनियादी हकूक की वो बात कर रहे हैं तमाम इंसानों की, जो हर जगह पे हर खित्ते में हर इंसान को हासिल हैं, और ये बेसिकली इसके लिए शर्त बुनियादी जो है, यू जस्ट बी अ ह्यूमन। इफ यू आर ह्यूमन यू हैव ऑल दीज राइट्स, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीक, राइट ऑफ एक्शन, राइट ऑफ वॉक, राइट ऑफ टॉक, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें जो हैं दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। राइट टू गेट अ फ्री एयर, राइट टू गेट अ फ्री वाटर, दीज आर ऑल बेसिक ह्यूमन राइट्स। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स, राइट्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अ राइट इज एन राइट इज एन इंडिविजुअल्स एंटाइटलमेंट टू समथिंग, दैट इज अ राइट। राइट डराइव्ड फ्रॉम अ लीगल सिस्टम कन्फर्म एंटाइटलमेंट्स ओनली ऑन इंडिविजुअल्स हू लिव वेयर द लीगल सिस्टम इज in force. Third one, moral or human rights are entitlements that moral norms confer on all people regardless of their legal systems. Teen cheeze characteristics of rights ke andar, ek to har individual ki entitlement something ke upar jo hai that is called rights. Dusra ye hai ki right jo hai wo aapko legal system provide karega जिसके तहत आपको किस चीज के ऊपर हक हासिल होगा और दूसरों को उससे रोका जाएगा। और तीसरा, कोई भी इंसान जो है उसको ह्यूमन राइट्स हासिल होंगे जो उस इलाके की उस एरिया की नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज के तहत आपको दिए जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर लीगल सिस्टम, और हर इंसान को ये जो है वो हासिल होंगे। उसके बाद मॉरल राइट्स के बारे में फर्दर डिटेल यहाँ पे दी गई है। कहता है कि मॉरल राइट्स कैन बी वायलेटेड इवन व्हेन नो वन इज हर्ट। कहता है कि जब किसी को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो, किसी को तकलीफ ना हो, तो मॉरल राइट्स जो हैं वो वायलेट किए जा सकते हैं। आर कोरिलेटेड विद ड्यूटीज अदर्स हैव टुवर्ड द पर्सन विद द राइट, प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद ऑटोनॉमी एंड equality in free pursuit of their interest, provide a basis for justifying one's action and for invoking the protection or aid of others, focus on securing the interest of the individual, unlike utilitarian standards which focus on securing the aggregate utility of everyone in society. What are the negative rights and positive rights? Negative rights, duties other have to not interfere in certain activities of the person who holds the right. Positive rights, duties of other agents is, it is not always clear who to provide the holder of the right with whatever he or she needs to freely pursue his or her interest. These are the more readings you guys can do. उसके बाद यहाँ पे आपको contractual rights, law of contract के हवाले से जो मिलेंगी rights and duties. ये आप लोग इसमें further reading कर सकते हैं as per course outline.
जो कोर्स ऑर्डर में टॉपिक्स दिए गए हैं उनके मुताबिक जो टॉपिक रेलिवेंट है वो आप फर्दर रीड कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे वो होगा जस्टिस एंड टाइप्स ऑफ जस्टिस एंड द डिटेल ऑफ दोस टाइप्स इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आफ्टर दिस लेक्चर आई विल सेंड यू द असाइनमेंट नंबर वन, सो प्लीज बी रेडी इन द एंड ऑफ दिस वीक यू विल गेट द असाइनमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर।